मेरे प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर एप्टीट्यूड, क्योंकि एप्टीट्यूड ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पता ही नहीं कि सिलेबस क्या है, जिसमें पता ही नहीं कि कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने टॉपिक्स छोड़ने हैं, या एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर एप्टीट्यूड से आप किसी को पूछो तो वो तो यही कहते हैं, अरे एप्टीट्यूड बचपन से जो करते आ रहे हो, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, उसी पर क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वरी मत करना। एक्चुअली इसी पर वरी करना है आपको, क्योंकि ये 15 मार्क का है, 15% ऑफ योर गेट एग्जाम। और ये जो बचपन में जो पढ़ा है ना, वो कल जो खाया वो याद नहीं, बचपन की बातें कर रहे हो कि आपको मालूम है कल क्या खाया था सुबह और रात को, तो फिर बचपन के कॉन्सेप्ट्स आपको किधर याद है, धुंधले से याद है बट एग्जैक्टली याद नहीं है। और गेट एग्जाम में इजी सवाल आते नहीं, बैंक का एग्जाम हो गया, बाकी आपके इंटरव्यूज के एग्जाम्स हो गए या कॉलेज प्लेसमेंट के एग्जाम्स हो गए, उधर इजी सवाल आते हैं। गेट एग्जाम में हर क्वेश्चन के पीछे 2.5 मिनट्स दिया जाता है, यानी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ट्रैप्स, ट्रिक्स इन्वॉल्व रहेंगे, तो उन सबसे बचते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं मदद करूंगा आपको टू गेट फुल मार्क्स इन योर गेट एग्जाम। जैसे आप देख सकते हो इतनी सारी बातें लेकर आया हूं, तो आप भी मेक श्योर कीजिएगा कि वीडियो देखते देखते आप नोट्स बना रहे हो, ताकि कोई पॉइंट्स आपका मिस ना हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है, एप्टीट्यूड कंटेन्स 15 मार्क्स, और ये फिक्स 15 है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में 14 आ जाएगा या 13 आ जाएगा, इट्स फिक्स। बाकी कोर सब्जेक्ट का पता नहीं कि कितना मार्क्स आएगा कितना नहीं आएगा, एप्टीट्यूड इज 15 फिक्स एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज 13 फिक्स, यानी टोटल मिलाकर के 28, विच इज योर क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर गेट एग्जाम क्वालिफाई भी करना है, दो सब्जेक्ट अच्छे से करके जाना। और इसका बेनिफिट क्या है एप्टीट्यूड का, आपको इंटरव्यू के लिए काम आएगा, जैसे आप प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हो तो वो क्रैक करना पड़ता है एप्टीट्यूड। सिमिलरली अगर आप अदर एग्जाम्स लिख रहे हो तो उसमें भी एप्टीट्यूड एक सेक्शन रहता ही रहता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, गेट एग्जाम में एप्टीट्यूड कैसे पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन 1 मार्क का, 5 क्वेश्चन 2 मार्क के, ओवरऑल आपके 15 मार्क्स होने वाले हैं। क्या सर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का तो यहाँ पर -1/3 है, 2 क्वेश्चन 2 मार्क के तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा कि 2/3 नेगेटिव हो जाता है। कभी कभी कोई क्वेश्चन एनएटी आ सकता है, बहुत ही रेयर है, तो उधर नेगेटिव नहीं होगा, बट वो 1 से 2 ही होगा, उससे ज्यादा होगा नहीं, ठीक है। चलो अब जो सेकंड पॉइंट है कि ये 15 मार्क्स अगर स्कोर करने हैं, सर व्हाट आर दी बुक्स यू विल रेकमेंड, आई विल श्योरली रेकमेंड, नंबर 1 आपकी गेट की पीवाईक्यू की बुक होनी चाहिए। अब वो कोई भी एकेडमी हो सकती है, आप मेड इजी ले सकते हो या फिर आईएएस मास्टर या एस एकेडमी या गेट एकेडमी, जो भी आपको अच्छा लगता है आप परचेज करना। अगर आपको रिव्यूज चाहिए इन बुक्स के ऊपर तो यूट्यूब पर सर्च करना, मैंने सारे रिव्यूज दे रखे हैं और आपके हिसाब से आप परचेज करना, ठीक है। अब नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, वीडियोस के बारे में, सर वीडियोस कहां से हम रेफर करें, यूट्यूब पर काफी फ्री कंटेंट है, वहां से पढ़ सकते हो, बट अगर आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वीडियोस चाहिए तो मेरा एप्टीट्यूड का कोर्स है और श्रेणी जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप, उसको भी रेफर कर सकते हो। उसके अंदर आपको बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है, टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स भी है, और आने वाले महीनों में पूरा कंप्लीट 300 से 400 पीवाईक्यूज ऑफ गेट एंड ईएससी का कोर्स आने वाला है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो फॉर दी प्रैक्टिस पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं सर श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ एप्टीट्यूड, कि अगर पेपर खोले तो ये सवाल तो दिखने ही दिखने हैं, वो कौन से हैं। एक तो इंग्लिश है आपका, अब इंग्लिश के अंदर सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, आइडियम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, है ना, आपका ग्रामर हो गया, तो ये सारी चीज पूछी जाएगी, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2। सर ये कैसे पढ़े, ये बस आपको पीवाईक्यूज करने हैं, उधर से अच्छा आइडिया आ जाएगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, और वही पैटर्न आगे भी रिपीट हो रहे हैं, देयर इज नथिंग न्यू टू लर्न, ओके। अब जो नेक्स्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल एप्टीट्यूड, ये हाल फिलहाल में जोड़ा गया है, तो इसके क्वेश्चंस आपको 2021 के पेपर में दिखाई देंगे। वैसे मेरे कोर्स में मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। अब वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मैंने पेज को रोटेट कर दिया, फिगर को रोटेट कर दिया, वो किसके साथ मैच कर रहा है, पेपर को फोल्ड कर दिया, या फिर हमको मिरर इमेज चाहिए ऑफ सम लेटर, तो ऐसे स्पेशल एप्टीट्यूड के सवाल आए हैं, तो उस प्रकार से ये तो श्योर है कि एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, क्योंकि हर ब्रांच में एक सवाल आया था, ओके। उसके बाद रिसेंटली पाया गया है कि ज्योमेट्री इज ऑल्सो मेड कंपल्सरी, आप हर ब्रांच के पेपर को उठा करके देखना, एक सवाल ज्योमेट्री का है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मेंसुरेशन वाला हो गया, एरिया फाइंड करने को या वॉल्यूम फाइंड करने को, या कुछ हरकतें करेंगे, स्क्वायर को कट किया कुछ मेन डायगोनल से, उसके बाद उसका ट्रायंगल बनाया और उसको रोटेट किया, तो फिर बताइए एरिया ऑफ द ट्रायंगल या वॉल्यूम ऑफ द कोन, ऐसे सब पूछा जा सकता है। सो ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, थरोली कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, बच्चे ये छोड़ देते हैं, आई डू नॉट नो व्हाई, इनको टफ लगता है, बट सबसे आसान और स्कोरिंग टॉपिक
टॉपिक है पीएनसी एंड प्रॉपर्टी, इनमें से सवाल आने ही आने हैं, एक से दो क्वेश्चन आपको दिखाई देगा 100% गारंटी। डेटा इंटरप्रिटेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डेटा इंटरप्रिटेशन कुछ नई चीज नहीं है, डेटा डायरेक्टली नहीं बट ग्राफ के फॉर्म में, जैसे बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, ऐसे डिफरेंट आपको फॉर्म्स दिखाई देंगे, उसमें से डेटा आपको इंटरप्रेट करना है, और जो भी पूछा रहता है परसेंटेज चेंज फाइंड करो, रेशियो फाइंड करो, एवरेजेस फाइंड करो, आपको निकाल करके देना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज वन। अब लॉजिकल रीजनिंग में अलग अलग चीजें होती है, कुछ ऐसे स्पेशल सीरीज हो गए, वो व्हाट्सएप में सवाल नहीं आते आपके कि सिर्फ 1% जीनियस बना पाएंगे ये सवाल, अब कुछ वैसे ही सवाल आते हैं गेट एग्जाम में भी, ओके। तो ये चीज का आपको नोट करते हुए चलना है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे पीवाईक्यूज में, तो आपको पता चल जाएगा दैट दिस काइंड ऑफ थिंग इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिक इन्वॉल्व होता है, कोई बाकी ज्यादा चीजें इन्वॉल्व नहीं रहती कि ऐसे कोई कंसेप्ट है या ऐसे कोई फॉर्मूलाज हमको रट्टा मारने, ठीक है। अब जो फाइव स्टार टॉपिक्स है, दैट इज परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरियंस, टाइम एंड वर्क, यूनिट प्लेस पर। अब ये यूनिट प्लेस क्या है, जैसे 1 to 1 दी होल पावर 1000, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 592 दी होल पावर 2000, तो उसका यूनिट प्लेस क्या निकल करके आएगा, ऐसे बहुत सारे सवाल आए हैं रिसेंट पेपर में भी पाया गया है, तो इसका आप नोट कीजिएगा। फिफ्थ पॉइंट है एपी जीपी एचपी एंड स्पेशल सीरीज, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें से भी बहुत सवाल आए हैं। दिस आर दी फाइव सितारे टॉपिक, इसके बिना आप गेट एग्जाम लिखने नहीं जा सकते, बट इसका मतलब ये नहीं कि बस यही पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स है, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, या फिर मिक्सर एलिगेशन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये भी है, बट सबसे पहले इनको खत्म करो, फिर बाद में उन टॉपिक्स पर जाना, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो मैंने कुछ नोट यहाँ पर लिखा है, ये नोट काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स नॉट ऑन ट्रिक्स। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पर वो वीडियो देखना चाहते हैं, एप्टीट्यूड के सवाल 10 सेकंड में कैसे बनाए, एप्टीट्यूड के सवाल 5 सेकंड में कैसे बनाए, उसको वो कोई काम नहीं आने वाला है गेट एग्जाम में, अदर एग्जाम्स में काम आ सकता है बट नॉट इन गेट। सेकंड, वर्चुअल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते आना चाहिए ताकि आप जल्दी जल्दी से आंसर निकाल सको, और वैदिक मैथ नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास है। यही चीज फेल हो जाती है इन दी ईएससी एग्जाम, बिकॉज वहां पर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, वेरिक मैथ्स हो गया या बाकी चीजें हो गई। थर्ड पॉइंट है सॉल्व मोर एंड मोर पीवाईक्यूज ऑफ गेट एंड ईएससी, ईएससी के भी करना, क्योंकि कंसेप्ट सेम है, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, टॉपिक सेम है, तो जरूर से करना, यू विल गेट अ न्यू वैरायटी एंड यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, ठीक है। तो ये था एक कंप्लीट पैकेज, एटीट्यूड प्रिपेयर करना है, तो फिर पेपर पैटर्न कैसा है, बुक्स और वीडियोस कैसे रेफर करना है, यूट्यूब के फ्री वीडियोस भी है, और फिर पेड कोर्सेज भी है जो अफोर्डेबल प्राइस है, आप बिल्कुल से रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट, श्योर शॉट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, पांच सितारे टॉपिक्स, और कुछ नोट आपको ध्यान में रखने हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग दी एप्टीट्यूड सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर कुछ बातें आपको लगती है कि और जोड़नी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आपके दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।